रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसे लोगों को पड़ोसी देश भी शरण देने में डर रहे हैं। ऐसे में एक देश ऐसा भी है जो बिना किसी वीजा के भारतीयों को अपने मुल्क में एंट्री दे रहा है। ये देश कौन सा है और क्यों वो भारतीयों पर इस कदर मेहरबान है, आपको इससे जुड़ा हर एक फैक्ट बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हाँ तो कर दिया ना, तो चलिए अब बात करते हैं उस देश की जो यूक्रेन में जारी तबाही के बीच भारतीयों के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। ये देश कोई और नहीं बल्कि पोलैंड है, जो यूक्रेन का पड़ोसी देश है और इस पोलैंड ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त देने की घोषणा भी कर दी है। ये सब जानकर आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर पोलैंड भारत पर यूं जान क्यों छिड़क रहा है। तो चलिए इस राज से भी पर्दा उठा देते हैं। दरअसल पोलैंड की ये दरिया दिली, यहाँ कहे इसका सीधा संबंध गुजरात के जामनगर के राजा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की इस कदर मदद की थी कि वो आज भी जामनगर के उसी राजा की शान में भारत की और भारतीयों की मदद कर रहा है। हुआ ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुजरात के जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह ने पोलैंड के लोगों की मदद की थी और पोलैंड से भारत आए उन अनाथ लोगों को शरण दी थी जिन्हें किसी भी देश ने स्वीकार नहीं किया था। बात साल 1941 की है, जब दूसरे विश्व युद्ध के वक्त पोलैंड के लोग अलग अलग देशों में जा रहे थे। इसका कारण एक ये था कि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। उसी वक्त यूके ने पोलैंड को एक संप्रभु देश घोषित कर दिया। इस वजह से यूएसएसआर की सेना ने पोलैंड में एंट्री कर ली और इससे पोलैंड में काफी मुश्किलें बढ़ती गईं और पोलैंड के लोग काफी परेशान हो गए और वो अपने आसपास के इलाकों में जाने लगे। इस वक्त पोलैंड के कई बच्चे अनाथ हो गए थे और टर्की जैसे देशों की तरफ भी जा रहे थे। उस वक्त कुछ देशों ने बच्चों को रखने से मना कर दिया था। दूसरी ओर उस वक्त भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, क्योंकि उस वक्त भारत आजाद नहीं हुआ था। ऐसे में भारत में जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसने भी पोलैंड के शरणार्थियों को भारत में शरण देने से मना कर दिया। ऐसे में भारत में गुजरात के नवनगर यानी कि आज के जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह जडेजा पोलैंड के लोगों के लिए मसीहा बन के उभरे थे और उन्होंने उस दौर में ब्रिटेन की सेना से भी दुश्मनी मोल लेते हुए पोलैंड से आए बच्चों को शरण दी। करीब 1000 असहाय पोलिश बच्चे भारत में आए और महाराजा दिग्विजय सिंह ने जामनगर से 25 किलोमीटर दूर बालचाड़ी गांव में उन्हें शरण दी और उनका पालन पोषण का जिम्मा उठाया। महाराजा ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि अब वो ही उन बच्चों के पिता हैं। महाराजा की महानता नहीं भूला पोलैंड। पोलैंड में है दिग्विजय सिंह के नाम से स्कूल। फिर 43 साल बाद 1989 में पोलैंड सोवियत संघ से अलग हो गया और स्वतंत्र पोलैंड की सरकार ने राजधानी वॉर्सो के एक चौक का नाम दिग्विजय सिंह के नाम पर रख दिया और साथ ही पोलैंड ने महाराजा दिग्विजय सिंह को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी नवाजा। आपको बता दें कि पोलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री व्लादिस्लाव सिरोस्की ने एक बार महाराजा से पूछा था कि आपने हमारी इतनी मदद क्यों की, इसके एवज में हम आपको क्या दे सकते हैं। तो गुजरात के जामनगर के महाराज ने मुस्कुराते हुए बोला था कि पोलैंड में उनके नाम से एक स्कूल खुलवा देना, जिसके बाद प्रधानमंत्री व्लादिस्लाव सिरोस्की ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और उनके नाम पर पोलैंड में दिग्विजय सिंह नाम से एक स्कूल खुलवा दिया और ये स्कूल आज भी मौजूद है। तो समझ आया ना कि क्या वजह है जिसकी वजह से पोलैंड भारतीयों के लिए नंबर वन मददगार साबित हो रहा है।